हेलो एवरीवन वेलकम टू इकोनॉमिक्स इकनॉमिक्स बायन अर्पिता सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज वील बी सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और लिमिट प्राइजिंग से रिलेटेड है ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज वेन आई वेल पुट अ न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड फॉर द सेम ऑल्सो दर इज अ गुड न्यूज दैट दट वीव लॉन्ड न्यू बैच फॉर ट्वेंटी वेर इन यूल बी प्रोवाइडेड विद ऑनलाइन लेक्चर्स सॉट पे वियर के क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे स्टडी मटीरियल रहेगा रेगुलर टेस्ट रहेंगे एज वेल एज रिविजन कैप्सूल्स रहेंगे होता है कि हम पूरे साल पढ़ते हैं बट वी आर नॉट एबल टू डिलीवर आर बेस्ट इन द एग्जाम बिकॉज हमारी रिविजन प्रॉपर नहीं हो पाती है सो रिविजन कैप्स्यूल से क्या होगा आपकी रिविजन फटाफट हो जाएगी एंड यूल बी एबल टू गिव बेस्ट इन योर एग्जाम सो दिस इंक्लूड्स बोथ पेपर वन एंड पेपर टू जिसकी कोर्स फी वॉज एट 10,000 initially, but now it's available at 50% discount, which is 5,000. But this is a limited period offer, only available till 31st January. So, those who want to enroll for it, they can contact me on this WhatsApp number. It's mentioned here 9310479124. Now, let's solve this previous year questions of price discrimination. सो so, ये क्वेश्चन है इससे पहले हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ भी चुके हैं और उसके कुछ बेसिक्स हमने देखे थे सो so, अकॉर्डिंगली आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी इस वीडियो पे आने के लिए सो गो वॉच दैट पार्ट वन एंड देन कम टू दिस वीडियो सो इसमें क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोनोपलिस्टिक एंड रेवेन्यू सो इसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रखे हैं स्टेटमेंट वन सेज अ मोनोपलिस्ट विल नेवर सिलेक्ट आउटपुट इन इन इलास्टिक रीजन में कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगा ऑफ द डिमांड कर्फ दूसरा है अगर हमें मैक्सिमाइज करनी है किसी भी मोनोपलिस्ट को रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है तो मोनोपलिस्ट जो है वो मिड पॉइंट ऑफ द लीनर डिमांड कफ पे होना चाहिए ठीक है तीसरा जो है दैट सेज़ फॉर अ मोनोपलिस मार्च और इज ग्रेटर दैन प्राइज ये बिल्कुल गलत है हमेशा जो हमारा डिमांड कर्व होता तो है उसके नीचे से एंगल बाइसेक करता हुआ वो एम आर कर्व निकलता है सो so, ये तो बिल्कुल गलत है इफ़ यू टॉक अबाउट स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू मोनोपलिस्ट विल सिलेक्ट एन आउटपुट जहाँ पर आउटपुट जो है वो इन इलास्टिक रीजन में कभी भी नहीं करेगा सिलेक्ट सो दिस मेथडोलॉजी दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ माइंड सो आई एक्सप्लेन दिस वंस अगेन सो अगर ये हमारा डिमांड कर्व है जहाँ पे मिड पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी होती है देर इज़ वन एंड एट दिस पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होगी इक्वल टू ज़ीरो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है इस एरिया के बीच में इलास्टिसिटी इज़ लेस देन वन यहाँ एरिया के बीच में इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन वन ठीक है सो यही बता है अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करेंगे तो जब ये इलास्टिक रीजन है तो एम जो होता है वो पॉजिटिव होता है इस पॉइंट पे एम आर ज़ीरो हो जाता है यहाँ पे एम नेगेटिव हो जाता है तो इन इलास्टिक रीजन में तभी नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ पे माना रेवेन्यू इज़ नेगेटिव सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट ये करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी ठीक है लीनियर डिमांड कर्व पे मिड पॉइंट पे करेंगे दैट इज़ ऑल्सो ट्रू कि मिड पॉइंट पे करेंगे ना प्राइस को इंक्रीज करना ना डिक्रीज करना दिस इज एन आइडल सिचुएशन सो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये करेक्ट है सो दैट मीन्स सी जो है दैट इज़ द ट्रू बट थर्ड जो है दैट इज़ फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन मोनोपल तो उस केस में मनोपलीस के सिचुएशन में क्या होगा सो so, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होती है मनोपली के अंदर जैसे कि हमें पता भी है कि मोनोपली पे आउटपुट और जो हमारा प्राइस है वो कहाँ पे डिटरमिन होता है वहाँ डिटरमिन होता है जहाँ पे हमारा डिमांड कर्व और एम सी मीट करते हैं डिमांड कर्व के नीचे एम आर और एम सी मीट करते हैं ऑन द डिमांड कर्व वी पुट द प्राइज इन क्वान्टिटी ठीक है सो अगर हम बात करें प्राइज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर वो ग्रेटर देन वन है तो monopoly, उस केस में क्या होगा एम आर इक्वल टू ज़ीरो होगा यही अभी हमने डायग्राम ड्रॉ भी करा है तो वहाँ पर क्या होगा एम आर इक्वल टू ज़ीरो होगा अगर हमारा प्राइज़ इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन वन है तो मोनोपली का मार्जर रेवेन्यू क्या होगा ग्रेटर देन वन है तो मार्जर रेवेन्यू क्या होगा वो ज़ीरो थोड़ा ना होगा वो पॉजिटिव होगा ज़ीरो तब होगा जब इलास्टिसिटी वन है बी जो है बी पॉइंट क्या बोल रहे हैं बी पॉइंट में जब टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज करेगा जब हमारी फिक्स जो फॉर्म की फॉर्म जो है वो लोअर कर देगा प्राइस को तब होगा कि मार्जर रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव होगा जब ग्रेटर देन वन है तो मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव नहीं होता अभी हमने देखा है पॉजिटिव होता है तो ये भी गलत है दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ करेगा जैसे फॉर्म लोअर करेगी अपने प्राइस को ठीक so, है सो जो करेक्ट है दैट इज दिस कि जो हम, ये ये चीज़ भी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ी थी कि टोटल रेवेन्यू और इसके बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है कि अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू कर्व इज़ लाइक दिस कि इस पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी होती है दैट इज़ यूनिट इलास्टिक ठीक है यहाँ पे जो होती है दैट इज़ इलास्टिक और यहाँ पे इट इज़ इन इलास्टिक ग्रेटर देन वन लेस देन वन ठीक है अब बात कर लेते हैं पॉइंट्स की दैट इज़ रिटर्न हियर कि उस केस में टोटल रेवेन्यू डिक्रीज़ करता है जब फर्म लोअर करती है अपने प्राइस को ये भी गलत है सो so, जो वी वो टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट सॉरी सो दिस वॉज कि टोटल रेवेन्यू डिक्रीज़ करते हैं जब फॉर्म लोअर करती है अपने प्राइस को जो कि गलत है जब ग्रेटर देन वन होगा दैट मीन्स वो इलास्टिक रीजन के अंदर है इलास्टिक रीजन माने यूनिट इलास्टिक से पहले वाला जो भी रीजन है हेयर इट इज़ इलास्टिक रीजन के अंदर है ठीक है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ करेगा जब फॉर्म लोअर करेगी अपना प्राइस ठीक है सो दिस इज द करेक्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन दैट इज अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाई आल जस्ट ड्रॉ द डिमांड कर्व डिमांड कर्व यू मिड पॉइंट है यूनिट इलास्टिक है यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या है इलास्टिक है यहाँ पे यहाँ पे इन इलास्टिक है लेस देन वन ग्रेटर देन वन इक्वल टू जीरो इक्वल टू वन और यहाँ पे इट इज इनफाइनाइट और इफ़ यू टॉक अबाउट दिस रीजन टोटल रेवेन्यू कर्व तो यहाँ पे क्या होता है इलास्टिक होता है यहाँ पे इन इलास्टिक और यहाँ पे यूनिट इलास्टिक तो अब डिमांड कर्व इलास्टिसिटी बता है प्राइस इलास्टिसिटी इज़ लेस देन वन मतलब इस रीजन में लोअर रीजन में लाई कर रहा है तब वहाँ पे हमारा मार्जर रेवेन्यू क्या होगा अनडिफाइंड नहीं गलत है यहाँ पर इसके बाद मार्जो रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है तो ये भी गलत है नेक्स्ट इज कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ करता है जब फॉर्म जो है वो डिक्रीज कर देती है अपने प्राइस को इस रीजन में अगर प्राइस को डिक्रीज़ करेंगे तो अगर प्राइस डिक्रीज़ करेंगे तो टोटल रेवेन्यू बहुत ही कम होने लग जाएगा इस रीजन में करना इस इलास्टिक रीजन में करोगे तो सही है इस रीजन में करोगे इन इलास्टिक रीजन में करोगे तो इट इज़ नॉट गुड सो दिस इज़ अ करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोनोपलिस्ट हैज़ नो सप्लाई कव एक मोनोपलिस्ट का कोई सप्लाई कव नहीं होता क्या यह ट्रू है या नहीं है मोनोपलिस्ट का कोई सप्लाई कव होता है या नहीं होता दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड ऑल्सो प्रीवियसली प्रीवियस वीडियो के अंदर तो उस केस में हमने पढ़ा भी था कि मोनोपलिस जो है दे डू नॉट हैव अ सप्लाई कव क्योंकि वो क्या होते हैं प्राइस टेकर्स होते हैं क्या होते हैं मोनोपलिस प्राइस टेकर्स प्राइस टेकर्स होते हैं और जो फॉर्म के डिसीजन होते हैं प्राइस के बारे में या क्वांटिटी के बारे में वो सोलली बेस्ड होते हैं कॉस्ट के ऊपर कि कॉस्ट क्या है बट एम जो है वो पॉजिटिव होता है और जो उस केस में जब हमारा मोनोपलिस बोल रहे हैं हम एम जो है वो पॉजिटिव होता है टी जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है डिमांड कव में अगर हम बात करें ये डिमांड कव है और इससे ऊपर ऊपर जो यूनिट लास्टिक से पहले यहाँ पे एम पॉजिटिव है टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहा है इलास्टिक रीजन के अंदर होता है और जो प्रोड्यूस uh, होता है दैट इज़ एट द रेट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो पोशन होता है हमारा एसी का वहाँ पे सो so, फॉर्म जो है दे शुड बी एक्सेस कैपेसिटी होती है उनके पास तो वो चूज़ करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन जहाँ पे एम सी एम आर के बराबर होता है और जो हमारा प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन है फ्रॉम अमंग द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो इलास्टिक और हमने बात करी मार्केट डिमांड कर्व की अकॉर्डिंगली हमारा जो कर्व होता है दैट इज़ वो कैसा होता है डिसीजन जो है वो प्राइस और आउटपुट के बेस पे होते हैं नॉट ऑन द बेस ऑफ द कॉस्ट ठीक है cost, सिर्फ कॉस्ट को देख के डिसीजन नहीं लिया जाता इट इज़ बेस्ड ऑन द प्राइज इन द क्वान्टिटी ठीक है सो मोनोपलिस का कोई सप्लाई कर्म नहीं होता क्योंकि टोटल रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू टोटल कॉस्ट ये गलत है ये होना चाहिए कंडीशन फर्म कैन सप्लाई वट एवर क्वान्टिटी चूजेज वो सप्लाई कर सकती है जो क्वांटिटी वो चूज करे ये भी गलत है फॉर्म की जो इंफॉर्मेशन है अबाउट बायर इज अनर उसके ऊपर रिलाई करना मुश्किल है दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज फॉर्म के डिसीजन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द प्राइज इन द क्वान्टिटी एंड नॉट सोनली ऑन द बेस ऑफ द कॉस्ट ठीक है दिस इज अ करेक्ट आंसर नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन सो so, दूसरा क्वेश्चन है दैट इज इफ अ फर्म इज़ फेसिंग अ डिमांड कर्व विच हैज़ यूनिट इलास्टिसिटी एट ऑल इट्स वेरियस पॉइंट्स द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी द मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा दिस वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन आल्सो इफ आई ड्रॉ दिस अगेन सो इफ दिस इज द डिमांड कर्व ये क्या है यहाँ पे हमारी जो इलास्टिसिटी है इज वन यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो ज़ीरो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिटी होती है ठीक है सो दिस इज द पॉइंट एंड इफ वी टेक आउट द टी आर कव टी आर कफ इज़ लाइक दिस इट इंक्रीज और मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा फिर उसके बाद इट स्टार्ट टू फॉल ठीक है सो so, फॉर्म जो है वो फेस करती है एक डिमांड का विच हैज़ यूनिट इलास्टिक इलास्टिसिटी एट एट इट्स पॉइंट तो वहाँ पे माजर रेवेन्यू क्या होता है अगर इसकी बात करें तो वहाँ पे माजर रेवेन्यू ज़ीरो होता है यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू क्या है जीरो है यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव है यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू पॉजिटिव है सो so ये यही पूछा है यूनिट इलास्टिक पे क्या होता है यूनिट इलास्टिक पे क्या होता है ज़ीरो होता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट नदर क्वेश्चन नदर क्वेश्चन इज एम आर जो है वो पॉजिटिव कब होगा कब होगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है पॉजिटिव ठीक है इट इज़ ग्रेटर देन वन ये हमने पढ़ लिया दिस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस डायग्राम ओनली इट इज ग्रेटर देन वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम आर विल बी नेगेटिव इफ द लास्टिस ऑफ डिमांड इज वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है अगर एम आर जो है वो नेगेटिव है तो इलास्टिसिटी जो है वो इन इलास्टिक है रिलेटिवली क्या है इन इलास्टिक है ठीक है सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन आई होप आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय